ये है कि सेतल ग्राम सेतल जो नगर पंचायत है या एक गौरंग आज़ाद इंटर कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो एक लड़का वहाँ पर तालीम पा रहा है तो उसको बार बार ये टॉर्चर कर रहा है एक महीने से कि तुम दाढ़ी कटा के आओ, दाढ़ी रखेंगे यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। तो उस लड़के ने ये बात उससे कही, उसके भाई ने उनसे कहा कि साहब ऐसी आप क्यों बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं मुझे इससे आपत्ति है और मैं जो है इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उसके लिए जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो हम लोगों को पता चला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अजरान दादा साहब को ये बात पता चली तो उनके निर्देश पे हम लोग एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अफसोस इस बात का है कि जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष रोडों पर तो तासुब प्रथाप्रस्ती और कहना चाहिए जहर फैला हुआ है, लेकिन अफसोस यहाँ तक है कि शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ पर इन सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, वहाँ के लोगों में के दिलों में इतनी नफरत और इतना जहर भर गया है कि हम मुसलमानों के फिर के वो हम वहाँ दाढ़ी लगा के अपनी तालीम भी नहीं पा सकते, हम पढ़ लिख भी नहीं सकते। इस बात का बड़ा अफसोस है, इसलिए अफसोस को जाहिर करने के लिए एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और उस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि जितना तुल मामला पकड़ गया है ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के पकड़ा है। वीडियो बारी जानबूझ के क्यों होगा भाई, हम कोई ऐसा थोड़ी कम मिला मुझे राजनीति करने का या हमें कोई शौक है भाई। उसका वीडियो वायरल है, उसमें वीडियो में उसके भाई ने पूछा कि आपको दाढ़ी से आपत्ति है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आपत्ति है। वीडियो तुम पकड़ने क्या मतलब भाई, हमारी धार्मिक ऐसा ही ये मामला सिर्फ उस लड़के तक सीमित हो, ये तो हमारे इस्लाम में अभिन्न इस्लाम का अभिन्न अंग है दाढ़ी, और दाढ़ी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इससे हमारी सभी की आस्था को चोट पहुँची, हमारे सबकी दिलों को चोट पहुँची है, और ऐसा नहीं हम उस लड़के से तक महदूद हो, क्योंकि हमारा सबका मामला है, पूरे इस्लाम का मामला है, सारे मुसलमानों का मामला है, और दाढ़ी के मामले को लेकर हम सब लोगों की आस्था को चोट पहुँची। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।